नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दी करंट अफेयर शो में और मैं हूं आनंद कुमार। आज के इस दी करंट अफेयर शो में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया गया है, ब्रीफ में एनालिसिस करेंगे। इसके बाद आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा, हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 101 रक्षा उपकरणों पर बैन लगा दिया गया है, इसे भी ब्रीफ में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आज के दी करंट अफेयर शो की शुरुआत करते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज के दी करंट अफेयर शो में हम दो टॉपिक एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा 101 विदेशी रक्षा उत्पादों पर बैन लगा दिया गया है। देखिए, COVID-19 और जिस प्रकार से भारत और चीन के बीच में टेंशन क्रिएट हुआ, भारत सरकार ने ऐसा महसूस किया कि यही सही वक्त है भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए। इसीलिए भारत सरकार द्वारा एक अभियान शुरू किया गया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, और जिसके तहत 20 लाख करोड़ रुपए का प्रोविज़न भी रखा गया, जिसमें घरेलू उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने की बात भी कही गई। इसी के मद्देनज़र हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा 101 विदेशी रक्षा उत्पादों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है और यह इम्प्लीमेंट होगा दिसंबर 2020 से। और इसका उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना। और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि घरेलू रक्षा उद्योग से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उसको आने वाले समय में 4 लाख करोड़ रुपए तक का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, जो कि 2024 तक, यानी कि आने वाले 4 सालों में 4 लाख करोड़ रुपए तक का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है 101 विदेशी रक्षा उत्पादों पर बैन लगने के बाद। और ये भी कहा गया है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में 52 करोड़ रुपए का प्रावधान अलग से रखा जाएगा ताकि घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। और अगले वित्त वर्ष में आयात के बजट का जो बंटवारा होता है, यानी कि इम्पोर्ट के बजट का बंटवारा होता है जो रक्षा क्षेत्र से जुड़ा होता है, उसका बंटवारा अलग से किया जाएगा। और ये सारे फैसले जो हैं वो घरेलू रक्षा उद्योग से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनसे विचार विमर्श और सेना के विचार विमर्श से लिया गया है। तो इतने कंटेक्स्ट समझने के बाद जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से लिया गया है, अब हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि भारत आखिर आज रक्षा के क्षेत्र में इम्पोर्ट के मामले में कहाँ खड़ा है। इस बात को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये है सिप्री का रिपोर्ट। सिप्री के बारे में हम आगे जानेंगे। सिप्री को एक बहुत ही ऑथेंटिक रिपोर्ट माना जाता है, जो कि डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए रिसर्च पर आधारित होता है और पूरी दुनिया इसके रिपोर्ट को बहुत ही ऑथेंटिक मानती है। तो सिप्री के इस रिपोर्ट के अनुसार, रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार, अभी जितने भी आर्म्स का इंपोर्ट किया जाता है उसमें सबसे पहले नंबर पर है आपका सऊदी अरबिया, जो कि पूरी दुनिया में जितना भी इंपोर्ट होता है उसका 12% इंपोर्ट सऊदी अरब द्वारा किया जाता है। सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया आ जाता है 9.2%, थर्ड नंबर पे इजिप्ट, फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया और फिफ्थ पे यहाँ पर चाइना। बाकी कंट्रीज़ को भी आप देख सकते हो। ये रिपोर्ट 2015 से 2019 के बीच में है, लेकिन अगर आप इंडिया की बात करोगे तो 2015 से पहले ये फर्स्ट नंबर पे हुआ करता था, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रक्षा उपकरणों की खरीदी जो है 2015 से पहले भारत द्वारा किया जाता था, अब किसके द्वारा? सऊदी अरबिया द्वारा किया जाता है। और दूसरे नंबर पर कौन है? भारत है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग बहुत ध्यान से नोट करिएगा। देखिए, भारत सरकार द्वारा रक्षा पर जिस प्रकार से खर्च किया जाता है उसका थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ब्यौरा ले लेते हैं। इसी साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में रक्षा के क्षेत्र में जो बजट है उसमें 6% का इंक्रीमेंट किया गया है, और ये 2019 और 20 की तुलना में, जो कि 2019 और 20 में 3.18 लाख करोड़ रुपये का था, उसे बढ़ाकर 3.37 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया था। और हथियारों की खरीदी के लिए, यानी कि सिर्फ इंपोर्ट के लिए, 1,10,734 करोड़ रुपए का प्रोविज़न रखा गया है। और भारत सरकार सालाना जो है, अगर हम इसको एक्सपोर्ट के रूप में लें कि भारत में जितने भी रक्षा उपकरण बनाए जाते हैं जो दूसरे देशों को बेचे जाते हैं, वो सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए का हम बेचते हैं और लगभग 1,10,734 करोड़ रुपए का हम
खरीदते हैं। तो आयात और निर्यात के मामले में आप कह सकते हो कि भारत आयात पर बहुत अधिक खर्च करता है और निर्यात से भारत को बहुत ही कम रकम मिलती है। तो आप कह सकते हो कि क्रूड ऑयल के बाद रक्षा के क्षेत्र में जो है वो भारत बहुत अधिक खर्च करता है। तो हमने यहाँ पर बात किया कि आयात की स्थिति भारत की किस प्रकार से है और विभिन्न देशों की किस प्रकार से है। यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि हथियारों के मामले में यानी कि सुरक्षा उपकरणों में एक्सपोर्ट की स्थिति जो है वो पूरी दुनिया में किस प्रकार से है। तो अगर हम हथियारों के बेचने के मामले में जाएं तो अमेरिका सबसे पहले पायदान पे है। अमेरिका पहले भी अव्वल हुआ करता था, आज भी अव्वल हुआ करता है। पूरी दुनिया में जितने भी हथियारों का उत्पादन किया जाता है और बेचा जाता है उसका 59% हिस्सा जो है वो अमेरिका के पास में है, यानी कि सबसे ज़्यादा वेपन जो है वो अमेरिका द्वारा ही बेचा जाता है। इसके अलावा एक रिपोर्ट आप ध्यान रखिएगा, इसी सिप्री का रिपोर्ट है, 2018 में दुनिया में 100 सबसे बड़ी जो कंपनी है जो हथियारों को बनाती है उन कंपनियों ने $420 अरब का हथियार बेचा है और इस $420 अरब में भारत ने सिर्फ 5.9 अरब अमेरिकी डॉलर का हथियार बेचा है और ये 5.9 अरब डॉलर लगभग आपका वही 17,000 करोड़ रुपए के आसपास का हो जाएगा जो कि मैंने आपको बताया। तो कितना बड़ा यहाँ पर फ़र्क है इसे आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर भारत की कौन सी कंपनियों की तरफ से यहाँ हथियार बनाए जाते हैं जिसका हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और ये दुनिया के टॉप 100 कंपनियों में 38th नंबर पे आता है। इंडियन ऑर्डिनेंस जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, विश्व की टॉप 100 कंपनी में ये 56th पोजीशन पे है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इसका भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और वर्ल्ड की जो टॉप 100 कंपनी है उसमें ये 62वें स्थान पे आता है और तीनों कंपनी मिलकर जो है पूरी दुनिया में जितना भी एक्सपोर्ट किया जाता है रक्षा उत्पादों को उसमें भारत की हिस्सेदारी जो है 1.4% मात्र है। तो भारत सरकार द्वारा जो ये अहम फैसला लिया गया है 101 विदेशी रक्षा उत्पादों पर बैन लगाकर, और अगर घरेलू कंपनियां द्वारा रक्षा उत्पादों को बढ़ाया जाता है तो आने वाले समय में हम ज़रूर जो है वो एक्सपोर्ट को बढ़ा सकेंगे और सिर्फ जो 1.4% है इसे भी बढ़ाया जा सकता है। और अगर एक्सपोर्ट का आप ये ग्राफ देखोगे तो ये वाला ग्राफ आपको दिखेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 59%, सेकेंड नंबर पे आपको रसिया 8.6%, यूनाइटेड किंगडम 8.4, फ्रांस 5.5, इसके अलावा ट्रांस यूरोपियन आ जाता है, उसके बाद इटली और इंडिया, यहाँ आपको मिल जाएगा 1.4%। तो ये ग्राफ भी याद रखिएगा और वो वाला भी ग्राफ याद रखिएगा, हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ भी दिया जाएगा या फिर वैल्यू एडिशन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा कि इंडिया डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट के मामले में कहाँ खड़ा है और इम्पोर्ट के मामले में कहाँ खड़ा है और दुनिया की जो बाकी कंट्रियाँ हैं वो कहाँ खड़ी है। तो इन चीज़ों को आपको इस टॉपिक में ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो मैं आपको जिस रिपोर्ट के आधार पर बता रहा था उस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है सिप्री की तरफ से। तो सिप्री आखिर है क्या? तो सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1966 में किया गया था। यह रक्षा से जुड़े हुए शोध पर या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर रिसर्च करता है, उसके बाद रिपोर्ट रिलीज करता है। बहुत ही ऑथेंटिक माना जाता है इसका रिपोर्ट, पूरी दुनिया इसके रिपोर्ट को मानती है। इसका हेडक्वार्टर है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में और इसे विश्व के सर्वाधिक सम्मानित थिंक टैंकों की सूची में शामिल किया जाता है। तो जैसे मैंने बताया ना कि इसके रिपोर्ट काफ़ी ऑथेंटिक होते हैं। तो चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, उसको भी फटाफट देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज ही यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल को लॉन्च किया है और इस सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल को लॉन्च करने के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अब 4G चलाया जा सकता है, वहाँ भी हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था की जा सकती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो ये सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक, वो कहाँ से कहाँ तक बिछाया गया है। तो ये आपका चेन्नई से लेकर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर वहाँ तक बिछाया गया है, जिसकी लंबाई है
2300 किलोमीटर। इसका इनॉग्रेशन किया गया था 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही, और इस पर जो कॉस्ट आया है वो 1224 करोड़ रुपए का आया है, और इसका विस्तार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 12 द्वीपों पर किया जाएगा, और इसे आज ही लॉन्च किया गया है, यानी कि 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इससे जुड़ी कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर हम देखते हैं। जो केबल का बैंडविड्थ होगा, यानी कि इसका स्पीड जो होगा 2x200 Gbps, जो कि चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच में होगा, लेकिन ये 2x100 Gbps होगा पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीपों के बीच। अब इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था करना। वहाँ की कनेक्टिविटी एक बहुत ही बड़ी समस्या थी, तो उस कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में ये बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। सिक्योरिटी पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है यह ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसके अलावा वहाँ की इकोनॉमी और टूरिज्म को भी बूस्ट करने के लिए यह ऑप्टिकल फाइबर जो है काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। वहाँ के अगर हम द्वीपों की बात करें, कौन कौन से द्वीप पर यह ऑप्टिकल फाइबर जाएगा, तो पोर्ट ब्लेयर हो गया, स्वराज द्वीप हो गया, लिटिल अंडमान हो गया, इसके अलावा कार निकोबार, इसके अलावा लॉन्ग आइसलैंड और रंगत, ये सब सारे द्वीपों को जो है यह ऑप्टिकल फाइबर वहाँ जोड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप सबमरीन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन केबल के बारे में यहाँ पर जान सकते हो। ये क्या होता है, एक इंटरनेट केबल होता है, जैसे आप ब्रॉडबैंड केबल की मदद से इंटरनेट चलाते हो, वैसे ही ये ऑप्टिकल फाइबर की मदद से जो है बड़े जगहों पर अगर इंटरनेट का कनेक्शन भेजना है तो ऑप्टिकल फाइबर की मदद से भेजा जाता है। अब जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में भेजना है तो वो किस रास्ते से भेजा जाता है, तो समुद्र में इस तरह से जो है वो बहुत मोटे मोटे वायर बिछाए जाते हैं जो ऑप्टिकल फाइबर के रूप में होते हैं, तो वो अगर समुद्री एरिया से भेजना है और काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। तो जैसे अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह इंटरनेट भेजना है तो कैसे भेजा जाएगा, तो समुद्र के रास्ते ही भेजा जाएगा। तो इसीलिए इसे इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये समुद्र क्षेत्र में सुरक्षित रह सके, जिसे सबमरीन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन केबल कहते हैं। तो इस तरह से आप इसे ध्यान रख सकते हो। इसके बाद हमें ये भी जानना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में। ये आप यहाँ पर इंडिया का मैप देख रहे हो, इंडिया का ईस्ट और साउथ रीजन में ये आइलैंड स्थित है, भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये आपको यहाँ पर नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, इसके बाद साउथ अंडमान, और इसके राजधानी की अगर हम बात करें तो ये आपको साउथ अंडमान में मिलेगा पोर्ट ब्लेयर। इसके बाद यहाँ पर लिटिल अंडमान मिल जाता है, और लिटिल अंडमान के नीचे ठीक आपको 10° चैनल मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से कई बार पूछे गए हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल जो है वो डिवाइड करता है, तो याद रखिएगा 10° चैनल जो है अंडमान को निकोबार द्वीप से यहाँ पर जो है वो अलग किया जाता है। इसके अलावा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपको सबसे नीचे में मिल जाएगा, जिसको कि यूनेस्को की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण भी प्राप्त है। और यहाँ पर एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, वो भी आपका यहाँ निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणतम बिंदु पर मिल जाएगा, जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं, और यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ के अगर हम एरिया की बात करें, टोटल आप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिला दो तो ये 8249 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 37,09,944 है, और टोटल आइलैंड की बात करें तो टोटल आइलैंड्स लगभग 572 यहाँ पर छोटे बड़े आइलैंड हैं, जिससे मिलकर ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बना हुआ है। अगर इसका पूरा एरिया आप देखोगे ना, तो ये एरिया लगभग आपका 8,249 किलोमीटर स्क्वायर है, लेकिन सिर्फ 10% एरिया पर ही लोग रह पाते हैं, बाकी कुछ क्षेत्र दलदली है, बाकी क्षेत्रों में जंगल है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हो। तो ये था हमारा आज का दी करेंट अफेयर शो। लेकिन इस शो को ख़त्म करने से पहले आपके लिए एक प्रश्न है, जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि 10° चैनल जो है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग किया जाता है, उसी प्रकार से भारत और श्रीलंका को कौन सा चैनल अलग करता है, इसका जवाब आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो आज के दी करेंट अफेयर शो में फ़िलहाल इतना ही। पसंद आने पर लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।